चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने चिकन लिया 750 ग्राम, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून पपीते का पेस्ट ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, 5 से 6 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 नींबू का जूस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 कप फ्रेश क्रीम और 1/2 कप दही। सबसे पहले हम हरी धनिया और हरी मिर्ची को ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हम लोग चिकन में शामिल कर देंगे। अब साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और पपीते का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नींबू का जूस और गरम मसाला। अब इसके अंदर हम लोग क्रीम भी शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर दही भी शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन अच्छे से कोट हो जाए और इसको 1 दिन के लिए हम लोग मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए चिकन अच्छे से 1 दिन मैरिनेट हो चुकी है। हम लोग चिकन को पहले अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। अब बैम्बू स्टिक्स के ऊपर चिकन की बोटियाँ लगाएंगे। अगर आपको फ्राई करनी है तो आप बैम्बू स्टिक्स के ऊपर लगाएंगे और अगर आपको बारबेक्यू करना है तो आप इसको सीखों पे लगाएंगे। एक एक करके हम लोग इस तरह से बोटियाँ सारी लगाएंगे। एक स्टिक के ऊपर हम लोग 4 बोटियाँ लगाएंगे। बोटियों के बीच में थोड़ा फासला रखेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। अब एक पैन के अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है। ये देखिए पैन अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके स्टिक्स शामिल करेंगे। तीन से चार मिनट हम एक साइड को पकाएंगे। इसको इस पॉइंट पे बिल्कुल भी मूव नहीं करना। जब चिकन थोड़ा सा पक के सख्त हो जाएगी तो फिर हम इसको पलटेंगे। तमाम सीखों की डायरेक्शन चेंज करेंगे और इस तरह से चेंज करके हम हर साइड को 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ये देखें बोटियों का कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसको ओवर कुक नहीं करना है, बस जब ये वाला कलर आ जाए इसके अंदर और ये ड्राई हो जाए इसका पानी तो इसका मतलब है मलाई बोटी तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।